हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केले और आलू से फलाहार बनाएंगे। उसके लिए हम देखते हैं क्या सामग्री चाहिए। उबले हुए आलू चाहिए दो, हमने छील के इसको काट लिया है। एक आलू और एक आलू लिया है। केले को छील के काट लेना है इस तरह से। हरी मिर्च कटी हुई चाहिए, हरी धनिया, भुना जीरा चाहिए एक चम्मच, थोड़ी सी पिसी हुई कुटी हुई काली मिर्च चाहिए, एक चम्मच चीनी चाहिए और सेंधा नमक चाहिए। और ये दही है हमारी 2 कटोरी। बनाते हैं। केले को काट लेंगे इस तरह से। झटपट तैयार हो जाने वाला रेसिपी है ये। व्रत में हम सब खाते हैं इसको। इसको दही में मिलाएंगे, मिक्स करना है। आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2 या फिर 1। को मिक्स करना है। हरी धनिया डालना है, थोड़ा सा हरी मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच भुना जीरा डालेंगे। काली मिर्च आपको पसंद हो तो डालिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालिए। सेंधा नमक डालेंगे थोड़ा सा। इसको इस तरह से मिलाइए, मिक्स करिए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये, लगता है बहुत ही स्वाद है इसमें। आप बनाकर जरूर खाइए एक बार। हम व्रत रहते हैं तो इसको जरूर बना के खाते हैं, आप भी जरूर बना के खाइए। इस तरह से सर्व करेंगे, हम लगाएंगे, बेक करेंगे। हरी धनिया डाल के सर्व करना है। थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे, बिल्कुल खट्टा मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।